देख रहे हैं फर्स्ट ट्रैक समाचार पत्र का सोशल मीडिया बुलेटिन। रजिस्ट्रेशन नंबर RAJHIN / 2010 / 33915। खुले में दवाएं पड़ी देख जिला कलेक्टर ने की दुकान सील, जुर्माना भी लगाया। धौलपुर शहर के पुराना डाकखाने चौराहे पर स्थित मेडिकल स्टोर संचालक को एक्सपायरी डेट की भारी तादाद में दवाइयां बाहर फेंकना भारी पड़ गया। यहां से निकलते समय जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने दवाओं को खुले में पड़ा देख गाड़ी रुकवाई और मेडिकल संचालक को फटकार लगाते हुए दुकान को अग्रिम आदेश तक सील कर दिया। साथ ही मेडिकल संचालक पर 21,000 रूपये का जुर्माना लगाया है। मामला यूं है कि धौलपुर शहर के पुराने डाकखाने चौराहे पर स्थित थोक मेडिकल विक्रेता ओम ड्रग हाउस ने अवधि पार दवाइयों को दुकान के बाहर सड़क पर फेंक दिया। भारी तादाद में दवाइयों को देख कबाड़ उठाने वाले बच्चे मौके पर पहुंच गए। इसके अलावा आवारा पशु भी अवधि पार दवाइयों को खाने लगे। इसी दौरान जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल का यहां से निकलना हुआ। उन्होंने दवाओं को सड़क पर पड़ी देखकर गाड़ी रुकवाई और दुकान संचालक को कड़ी फटकार लगाई, वह दुकान को सील कर दिया। साथ ही मेडिकल संचालक पर 21,000 रूपये का जुर्माना लगाया। पशु है उसको सेवन कर रहे हैं, दुकान को सील करने का निर्णय लिया गया है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल के तहत जो अधिकतम जो पेनल्टी है वो इनके ऊपर अनुरूपित की जाएगी और हम शीघ्र ही बाकी जो होलसेलर है उनकी बैठक बुला रहे हैं ताकि इस प्रकार की जो प्रवृत्ति है उसमें अंकुश लगा जाए। अस्पताल परिसर में खुले में दिया महिला ने बच्ची को जन्म, मूक दर्शक बना रहा अस्पताल स्टाफ। शैपू के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर गुरुवार के दिन शर्मसार कर देने वाला एक नजारा सामने आया है। हॉस्पिटल में प्रसव कराने के लिए आई एक गर्भवती महिला ने प्रसव पीड़ा से कराहते हुए मैदान में ही एक बालिका को जन्म दे दिया। इस दौरान परिजन महिलाओं द्वारा चादर लगाई गई। खुले मैदान में जमीन पर प्रसव होने के बाद महिला काफी समय तक चीखती चिल्लाती रही, लेकिन स्टाफ का कोई भी कर्मचारी प्रसूता को संभालने के लिए नहीं पहुंचा। तभी ANM सरोज पांडे ने पहुंचकर ड्यूटी नहीं होने के बावजूद भी एक महिला का दर्द समझते हुए जमीन पर पड़ी प्रसूता को संभाला। इस दौरान लापरवाही भरी तस्वीर भी देखने को मिली, जिसमें जमीन पर हुए प्रसव के बाद महिला को मैदान से बाड़ तक ले जाने के लिए न तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ने और न ही किसी कंपाउंडर ने स्ट्रेचर या व्हील चेयर ले जाने तक की जहमत नहीं उठाई। ऐसी स्थिति में प्रसूता के परिजन महिलाओं के द्वारा उसके हाथ और पैर पकड़कर मैदान में से बाहर तक ले जाया गया। इस नज़ारे को हॉस्पिटल में मौजूद हर कोई देखकर हॉस्पिटल के स्टाफ को थूथू करता नजर आया। बड़ी शर्मंदगी से भरे इस पूरे मामले को लेकर कहीं न कहीं स्टाफ के कर्मचारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। फर्स्ट ट्रैक चाहता है कि इस तरह की तस्वीरें बदलनी चाहिए। कई कंपाउंडरों की हॉस्पिटल में ड्यूटी के दौरान आए दिन इसी तरह की शिकायतें मिल रही हैं। अधिकतर कंपाउंडर ड्यूटी के समय हॉस्पिटल से गायब रहते हैं। गुरुवार के दिन करीब 9:15 पर जिस समय खुले मैदान में प्रसूता के द्वारा जमीन पर ही एक बालिका को जन्म दे दिया गया, उस समय भी कोई कंपाउंडर मौके पर नहीं पहुंचा। इस दरमियान महज एक कंपाउंडर प्रवीण कुमार OPD के समय बाढ़ में मरीजों को इंजेक्शन व ड्रिप लगाने में व्यस्त दिखा। इसके अलावा ड्यूटी कर रहे एक भी कंपाउंडर हॉस्पिटल में मौजूद नहीं दिखे। ऐसे हाल में कंपाउंडरों की मनमानी कहें या फिर अधिकारियों की अनदेखी, आए दिन ऐसी ही शिकायतें हॉस्पिटल में मिल रही हैं, जिससे हॉस्पिटल में आने वाले मरीजों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। प्रभारी डॉक्टर नरेंद्र अग्रवाल के द्वारा जच्चा और बच्ची का स्वास्थ्य परीक्षण किया, भली भांति दोनों का उपचार के बाद नवजात बालिका तथा प्रसूता पूरी तरह स्वस्थ है। सिंचाई विभाग के लिए रामसागर बांध से छोड़ा नहर में पानी। सिंचाई विभाग धौलपुर की ओर से आज जिले के बाड़ी उपखंड में स्थित रामसागर बांध में सिंचाई के लिए नहर में पानी छोड़ दिया गया है। पानी छोड़ने से पूर्व बांध पर पंडित रामनरेश द्वारा विधि विधान से मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना कराई गई। सिंचाई विभाग के कनिष्ठ अभियंता विवेक बंसल ने बताया कि आज रामसागर बांध से सिंचाई के लिए नहर में पानी छोड़ा गया है। वर्तमान में बांध का गेज 14.4 फुट है, जिससे करीब एक माह तक नहर में पानी चलेगा। कनिष्ठ अभियंता विवेक बंसल ने बताया कि WUB के चेयरमैन रामिंदर मीणा ने पूजा अर्चना करवाकर विधि विधान से पूजा अर्चना करवाई और उसके बाद नहर में पानी छोड़ा गया। नहर के पानी से कई दर्जन ग्राम पंचायत के किसान लाभान्वित होंगे। इस मौके पर विभाग के कर्मचारी अमर सिंह, महावीर सहित अन्य मौजूद रहे। 4 अंतरराज्यीय चोर गिरफ्तार, 2 बाइक व बोलेरो जब्त। वसेड़ी थाना पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का आज एक बड़ा पर्दाफाश किया है।
थाना प्रभारी बनी सिंह ने बताया कि 13 अक्टूबर को बसेड़ी पुलिस थाना में एक बाइक चोरी व एक बोलेरो चोरी का मामला दर्ज हुआ था, जिस पर जिला पुलिस अधीक्षक केसर सिंह शेखावत के निर्देश में थाना प्रभारी बनी सिंह के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। इस दौरान पुलिस ने 15 अक्टूबर को मुखबिर की सूचना मिली कि चंबल नदी अचलेश्वर महादेव मंदिर के पास कुछ व्यक्ति चोरी किए गए वाहनों को बेचने की फिराक में हैं। इस सूचना पर टीम द्वारा मंदिर के पास पहुंचकर घेराबंदी की तो मौके पर खड़े व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगे, जिनका पुलिस ने पीछा कर पकड़ लिया। इस दौरान पुलिस की पूछताछ में उन्होंने अपना नाम अजीत पुत्र राम कुमार ठाकुर निवासी रतनपुर, विकास पुत्र मुन्नालाल ब्राह्मण निवासी सुवर्ण सिंह का पुरा मजरा गोरहिया बसई थाना सुमावली मुरैना मध्य प्रदेश, आकाश पुत्र मुन्नालाल ब्राह्मण कल्याण सिंह पुत्र शिब्बू उर्फ शिवचरण ठाकुर निवासी मुराब अली थाना कंचनपुर। इस दौरान पुलिस ने चारों आरोपियों के कब्जे से 2 मोटरसाइकिल और 1 बोलेरो सहित 2 देसी कट्टे 315 बोर मय जिंदा कारतूस भी बरामद किए। चारों आरोपियों को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार कर लिया है। कार्रवाई के दौरान टीम में लेवड़ापुरा चौकी सहायक उप निरीक्षक उमा शंकर, हेड कांस्टेबल हरवान सिंह, कांस्टेबल विक्रम सिंह, कोमल सिंह, कृष्ण कुमार, आरएसी विजय राज, तेज सिंह, प्रदीप कुमार, वेद प्रकाश आदि शामिल रहे। जिले में अवैध गतिविधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए 1 बोलेरो चोरी, 2 मोटरसाइकिल चोरी की है, इसमें 4 लोग गिरफ्तार हुए, उनके पास में 5 मोबाइल मिले हैं, 2 कट्टे मिले हैं 315 बोर के और 7 जिंदा कारतूस मिले हैं, 1 मास्टर की मिली है। अवैध शराब बनाने का जखीरा पकड़ा, 2 आरोपी गिरफ्तार। जिला पुलिस अधीक्षक केसर सिंह शेखावत के निर्देश पर जिले भर में हथकड़ शराब बनाने वाले व बेचने वालों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत आज बसेड़ी थाना प्रभारी बनी सिंह के नेतृत्व में बसेड़ी थाना पुलिस ने बागथर गाँव में बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध शराब बनाने का जखीरा बरामद किया है। थाना प्रभारी ने बताया कि गांव बागथर में कार्रवाई के दौरान मौके से 2 आरोपी हरिओम पुत्र निरोति गुर्जर व ओमवीर पुत्र निरोति गुर्जर निवासी बागथर को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 1 प्लास्टिक के कट्टे में 64 पब्बे देसी शराब के भरे हुए बिना मार्का के 1 जरकन प्लास्टिक करीब 40 लीटर स्प्रिट से भरी हुई 700 खाली पब्बा प्लास्टिक के 210 रेफर लेबल 3 खाली जरकन जब्त की है। आपको बता दें कि करीब 7 माह पूर्व भी बसेड़ी थाना पुलिस ने इन्हीं आरोपियों को शराब बनाते हुए गिरफ्तार किया था। कार्रवाई के दौरान टीम में उप निरीक्षक नंदराम, कांस्टेबल विक्रम सिंह, वीरेंद्र सिंह, कोमल सिंह, भूरा सिंह, हरिओम सिंह शामिल रहे। पत्थर में कल्ला कल्ला नाम के व्यक्ति की सूचना मिली थी कि स्प्रिट से शराब बनाने का अवैध कारोबार कर रहा है। उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार कार्रवाई की गई, जिसमें अवैध शराब बनाने की स्प्रिट और इसके कार्टून और अन्य सामग्री मिली है, जिसमें 3 मुलजिम गिरफ्तार। अब घर और सड़क बनाना हुआ आसान, वह भी 25% रुपए एवं समय की बचत के साथ, क्योंकि धौलपुर में पहली बार शुरू हो गया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का केला देवी रेडीमेड एवं फ्लाई एश बिक्स तथा इंटरलॉकिंग टाइल्स के निर्माता। धौलपुर जिले में 50 से 60 किलोमीटर तक कंक्रीट करने की पूर्ण व्यवस्था, सभी प्रकार की ग्रेड तक ऑटोमेटिक कंट्रोल से कंक्रीट बनाने की व्यवस्था, ऑटोमेटिक कंप्यूटर कंट्रोल से एक जैसी क्वालिटी, कच्चे माल की ना के बराबर बर्बादी, मकान और सड़क के निर्माण के समय अतिरिक्त जगह की आवश्यकता नहीं, लाने व ले जाने में 10% तक सीमेंट की बचत, साइट पर बिजली व लेबर की निगरानी की भी जरूरत न होने के कारण समय और पैसों की भारी बचत। पता केला देवी रेडी मिक्स, F325 रीको इंडस्ट्रीज एरिया धौलपुर, प्रोपराइटर मनीष कुमार सिंगल, मोबाइल नंबर 9549891824। SN कॉलेज ऑफ साइंस धौलपुर में प्रवेश प्रारंभ, BA BSc, BCom BCA, BBA, PGDCA, MBA, MCA में प्रवेश लें और अपना करियर बनाएं। पढ़ाई के साथ कैंपस में उठाएं वाईफाई सुविधा का लाभ। जिले में सर्वश्रेष्ठ AC कंप्यूटर लैब, वर्कशॉप एवं प्रयोगशाला। SN ITI में भी प्रवेश प्रारंभ, ट्रेड इलेक्ट्रीशियन। पता आम के बाग के पास बाड़ी रोड, सरकारी ITI वाला रोड, धौलपुर। SN ITI चुंगी चौकी के पास
पास धौलपुर बाड़ी रोड एवं SRITI कंचनपुर में भी प्रवेश प्रारंभ। सीमित स्थान, शीघ्र प्रवेश, शीघ्र संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर। अब खरीदें अपने शहर धौलपुर में ही मेड इन इंडिया स्कूटी व थ्री व्हीलर सवारी एवं सामान ले जाने वाला। चार्जिंग के अलावा कोई अन्य खर्चा नहीं। एक बार चार्ज करने पर 100 किलोमीटर तक चलता है। रजिस्ट्रेशन और बीमा की भी कोई आवश्यकता नहीं। धौलपुर में सर्विस सेंटर की सुविधा भी उपलब्ध है। आसान किस्तों में फाइनेंस सुविधा उपलब्ध, वह भी केवल 3 दिन में। एक बार देखने के लिए जरूर पधारें। गंगा ऑटो सेल्स एंड हार्डवेयर, राजाखेड़ा बाईपास पुल के पास, नायला वालों का मकान धौलपुर। प्रोपराइटर राकेश कुमार शर्मा। युवक का शव मिलने से फैली सनसनी, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। धौलपुर शहर के नियालगंज थाना क्षेत्र के राजाखेड़ा बाईपास पर आज 23 वर्षीय युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतक के शव को कब्जे में लेकर घटना स्थल का मौका मुआयना किया। मृतक के शरीर पर गहरी चोट के निशान मिले हैं। निहालगंज थाना प्रभारी बाबूलाल ने बताया कि युवक की शिनाख्त 23 वर्षीय मलखान पुत्र दीवान सिंह निवासी गांव नगरघटा थाना द्योहली जिला धौलपुर के रूप में हुई है। मृतक के परिजनों ने बताया कि मलखान 1 महीने से अपने जीजा के घर धौलपुर शहर में रह रहा था। परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने युवक के शव का जिला अस्पताल धौलपुर में पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस के प्रारंभिक अनुसंधान में मामला संदिग्ध पाया गया है। मेरा भाई 1 महीना से लापता था। 1 महीना करीबन हो गया। आज यहाँ धौलपुर पुल के ऊपर बॉडी मिली है। दरी पुलिस वाले ने फोन किया है और बताइए कि ये बॉडी किसकी है। हमने बोला कि हमारे भाई है। अब पुलिस कार्रवाई जल्दी से जल्दी करें। आपको क्या लग रहा है भाई की आपकी हत्या भैया के ब्याज या क्यों हत्या भैया? इससे पैर टूटा है, एक बाएं टूटी है, इससे कार्या से नीचे चोट है, ऊपर चोट नहीं आई है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम ओमिर है। सुबह पुलिस कंट्रोल रूम पर किसी व्यक्ति ने सूचना दी कि एक अज्ञात बॉडी राजागढ़ा बाईपास के पुल NST आगरा ग्वालियर पर पड़ी है, जिसको आइडेंटिफाई करवाया गया तो मलखान नाम का व्यक्ति देहोली इलाके का रहना पाया गया, जिसके परिजनों को बुलाया गया, लाश का और उसे पोस्टमार्टम कराया गया। परिजनों को सपोर्ट कर रही है, आगे भी कार्रवाई। एनीकट में डूबने से वृद्ध की मौत। शेपो उपखंड क्षेत्र के गढ़ी चटोला स्थित पार्वती नदी पर बने एनीकट में बीती देर शाम एक वृद्ध डूब गया था, जिसके शव को ग्रामीणों के द्वारा आज बाहर निकाल लिया गया। जानकारी के मुताबिक करीब 70 वर्षीय वृद्ध लाल सिंह निवासी गुर्जा खुर्द की एनीकट में गहरे पानी में डूबने से मौत हुई है। बताया गया है कि पिछले 4-5 दिन से वृद्ध पाल सिंह अपनी रिश्तेदारी के गाँव गढ़ी चटोला में आया हुआ था। तभी वहां बीती शाम के समय नहाने के लिए पार्वती नदी पर बने एनीकट पर पहुंच गया, जहां वह गहरे पानी में डूब गया। रात्रि के समय अंधेरे के चलते रेस्क्यू नहीं होने के कारण उसकी तलाश नहीं हो सकी। आज सुबह के समय एकजुट हुए ग्रामीणों ने अपने स्तर पर रेस्क्यू कर पानी में डूबे वृद्ध लाल सिंह के शव को बाहर निकाल लिया, जिसका पुलिस ने सैपू अस्पताल की मोर्चरी में पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। लोहरे हत्याकांड का खुलासा, आरोपी गिरफ्तार। धौलपुर जिले की कंचनपुर थाना पुलिस ने करीब 1.5 वर्ष पहले हुए रामप्रसाद उर्फ लोहरे हत्याकांड का खुलासा करते हुए घटना के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। कंचनपुर थाना प्रभारी लाखन सिंह ने बताया कि 25 जुलाई 2019 को रामप्रसाद उर्फ लोहरे के परिजनों ने पुलिस थाने में अपहरण का मामला दर्ज कराया था। इस प्रकरण को लेकर पुलिस ने टीमें गठित कर विभिन्न पहलुओं में मामले को गंभीरता से लेते हुए अनुसंधान किया गया। पुलिस द्वारा किए गए अनुसंधान में 21 वर्षीय आरोपी हरेंद्र पुत्र कप्तान सिंह जाति लोदा निवासी उमरी थाना कंचनपुर को शक के आधार पर पुलिस ने हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की गई, जिस पर आरोपी हरेंद्र ने जुर्म कबूल करते हुए पुलिस को बताया कि मृतक रामप्रसाद अपने हिस्से की जमीन अपने गांव उमरी के ही इंद्रजीत पुत्र नारायण सिंह लोदा को बेच दिया था।
और बेची गई जमीन की पूंजी को मृतक ने सुरक्षित रखने के लिहाजे से आरोपियों को पूंजी सौंप दी। जमीन की पूंजी हाथ लगते ही आरोपी हरिंदर और उसके पिता कप्तान सिंह की नीयत बदल गई और दोनों आरोपी मृतक को बहला फुसलाकर चंबल नदी के पुराने पुल के पास ले गए, जहां पर आरोपियों ने मृतक को शराब का सेवन कराया और नशा होने पर रात्रि में चंबल के पुल से मृतक को जिंदा नदी में फेंक दिया, जिस पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। पीड़ित महिलाएं सखी वन स्टॉप सेंटर का लाभ उठाएं। शक्ति सिंह। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर के सचिव एवं अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शक्ति सिंह ने आज निर्भया योजना के अंतर्गत जिला अस्पताल धौलपुर के पास संचालित सखी वन स्टॉप सेंटर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय सेंटर का स्टाफ मौजूद मिला। निरीक्षण के दौरान सिंह द्वारा सखी वन स्टॉप सेंटर द्वारा संधारित रजिस्टरों का अवलोकन किया तथा सभी कॉलमों की पूर्ति किए जाने के लिए निर्देशित किया। सिंह द्वारा बताया गया कि सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में पीड़ित महिलाओं को विधिक सलाह एवं सुरक्षा के लिए सखी वन स्टॉप सेंटर संचालित किए गए हैं। पीड़ित महिलाएं जिले में संचालित वन स्टॉप सेंटर पर एक बार विधिक सलाह के लिए अवश्य आएं एवं सेंटर द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का लाभ उठाएं। एबीवीपी ने विरोध प्रदर्शन कर सीएम से की इस्तीफे की मांग। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने आज जिला कलेक्ट्रेट धौलपुर पर राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पुतला फूंका और सीएम से इस्तीफे की मांग की। साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के बाहर राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। इसके बाद मुख्यमंत्री का पुतला फूंका, वहीं मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने बताया कि प्रदेश में लगातार महिला अपराधों में बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन सरकार इन्हें रोकने में नाकाम साबित हो रही है, इसलिए मुख्यमंत्री अपने पद से इस्तीफा दें। इस मौके पर भरतपुर विभाग के विभाग संयोजक अभिनव सिंह, जिला संयोजक दिनेश गुर्जर, राहुल त्यागी, सूरज शर्मा, संदीप आर्य, विचार राजौरिया, योगेश त्यागी, हर्षित चौधरी, प्रिंसिपाल आर्यन शर्मा, पीयूष संदीप पाड़िया, मुरारी मीणा, धन्य अवस्थी, राहुल गुर्जर, पिंटू शर्मा, राहुल कौशल, संजय मावई, ललित बंसल, ऋषि गुर्जर आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जिला इकाई के द्वारा राजस्थान सरकार का पुतला जलाया गया है। आप देख सकते हैं कि आए दिन राजस्थान में अनेकों अनेक घटनाएं सामने आ रही है। सरकार लाचार हो चुकी है। हमने यहाँ पर अशोक गहलोत का पुतला जलाया है और हमारी ये मांग है कि वो जल्द से जल्द अपना इस्तीफा दें, क्योंकि वो पूरी तरीके से अपनी सरकार चला पाने में निरंकुश हैं और आए दिन महिलाओं के साथ हो या अन्य घटनाएं देश में राजस्थान में देखने को मिल रही है। हमारी यही मांग है कि जल्द से जल्द वो अपना इस्तीफा सौंपें। राजस्थान में आए दिन देखने को मिलता है कि महिला और बालिकाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं। इसके लिए राजस्थान सरकार ने कोई कठोर कार्रवाई नहीं की है। इस वजह से एबीवीपी प्रांत से पूरे प्रदेश भर आंदोलन जिला केंद्र पर किए गए हैं। अगर ऐसी समाधान नहीं होता है इन अत्याचारों को, तो गहलोत जी अभी तुरंत में इस्तीफा दे। भारत माता की। एक इंजेक्शन द्वारा बवासीर जड़ से खत्म, कांच निकलना, भगंदर, फिशर पर स्थायी उपचार, लेजर एवं क्षार शल्य द्वारा शिविर प्रत्येक माह की 9 एवं 20 तारीख को रतन शांति गेट हाउस, स्टेशन रोड, धौलपुर। डॉक्टर ए के एस राठौर, मुंबई, MD शल्य तंत्र। मोबाइल नंबर 7000225033 9165741677। धौलपुर में ही बनवाए सस्ता व अच्छा फर्नीचर, अब आप अपने धौलपुर में ही खरीद सकते हैं सस्ते दामों में मनपसंद अच्छा और टिकाऊ फर्नीचर, वह भी आगरा की कीमत में। अब आ गया है आपके धौलपुर में फर्नीचर का विशाल शोरूम, जो देगा आपकी लाडली बिटिया को विवाह में मजबूत, मॉडर्न एवं फैंसी आकर्षक फर्नीचर, वह भी आपकी पसंद के डिजाइन में तैयार करके। हमारे यहाँ सागवान, शीशम, साल एवं अन्य कीमती लकड़ी से फर्नीचर तैयार किया जाता है, इसलिए मजबूत, सुंदर, टिकाऊ और आकर्षक फर्नीचर लेने के लिए एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। पता: ब्रज माधव फर्नीचर हाउस, उम्मेदी नगर, कालीमाई रोड, राजाखेड़ा बाईपास, धौलपुर। हमारे यहाँ फर्नीचर को घर तक पहुँचाने की भी सुविधा उपलब्ध है। एक बार जरूर पधारें पंडित दाऊदयाल शास्त्री व गोविंद शर्मा पहाड़ी वालों की दुकान, ब्रज माधव फर्नीचर हाउस, राजाखेड़ा बाईपास, धौलपुर पर। पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री को लिखे पोस्ट कार्ड।
न्यू पेंशन स्कीम एम्प्लॉयज फेडरेशन ऑफ राजस्थान धौलपुर ने पोस्ट कार्ड अभियान सप्ताह के तहत आज जिला अस्पताल धौलपुर में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर समरवीर सिंह से करवार ने मुख्यमंत्री के नाम पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग के समर्थन में पोस्ट कार्ड लिखे। संगठन जिला समन्वय जितेंद्र कुमार व जिला संयोजक मनोज पोसवाल ने बताया कि प्रदेश में 5,00,000 सरकारी कर्मचारी और अधिकारी राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से गांधीवादी आंदोलन के माध्यम से पश्चिम बंगाल की तर्ज पर ई पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग कर रहे हैं। जिला अस्पताल के वरिष्ठ वक्ता विकास त्यागी व अनुज पूनिया ने अभियान को समर्थन करते हुए कहा कि पुरानी पेंशन की मांग को लेकर सभी यूनियनों को आपसी मतभेद बुलाकर एक मत होकर लड़ना पड़ेगा। इस अभियान को समस्त विभागों में लागू करवाएंगे। इस मौके पर लोकेश तिवारी, गजेंद्र यादव, शिषपाल चौधरी, ब्रजेश शर्मा, संतोष शर्मा, कंप्यूटर त्यागी, सुधांशु परमार, धर्मेंद्र बाबू, सोहन सिंह बघेला, भगत सिंह, राजू आदि ने पोस्ट कार्ड लिखकर मुख्यमंत्री को भेजे। एसएन कॉलेज ऑफ साइंस में लगाए नो मास्क नो एंट्री के पोस्टर। एसएन कॉलेज ऑफ साइंस धौलपुर में नो मास्क नो एंट्री जन जागरण पखवाड़े के अंतर्गत कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर एसपी अवस्थी की अगुवाई में नो मास्क नो एंट्री के पोस्टर लगाए गए। साथ ही प्राचार्य अवस्थी ने समस्त कर्मचारियों को विशेष दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए सोशल दूरी और मास्क प्रयोग करने की बात कही। संस्था अध्यक्ष सुभाष चंद्र भारद्वाज ने पोस्टर के माध्यम से जन जागृति करने पर जोर दिया। इस महामारी से लड़ने के लिए अपना रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की बात कही। इस अवसर पर संस्था सचिव डॉक्टर संजय शर्मा ने महामारी काल को मानव जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा करार देते हुए कहा कि परीक्षा में हमें हर साल में पास होना है और अपने परिवार जनों की सुरक्षा करनी है। इस दौरान कॉलेज स्टाफ मौजूद रहा। कृषि विज्ञान केंद्र में मनाया गया महिला किसान दिवस। कृषि विज्ञान केंद्र धौलपुर में आज महिला किसान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें जिले की 50 महिलाओं ने भाग लिया। इसमें महिलाओं को खेती के बारे में व उन्नत खेती करने के तरीकों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कृषि विज्ञान केंद्र के प्रभारी डॉक्टर नवाब सिंह, विशिष्ट अतिथि कृषि विभाग धौलपुर के उप निदेशक डॉक्टर दयाशंकर शर्मा, पीडी आत्माराम, राजेश शर्मा, कृषि विज्ञान केंद्र के पशुपालक वैज्ञानिक डॉक्टर शिवमूर्त मीणा, मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर माधव सिंह मीणा, कीट वैज्ञानिक डॉक्टर दिनेश कच्छावा, पादत रोग वैज्ञानिक डॉक्टर लक्ष्मण सिंह रहे। इस अवसर पर केंद्र के अध्यक्ष डॉक्टर नवाब सिंह ने महिलाओं को खेती से जोड़ने का आह्वान किया। उप निदेशक कृषि विभाग डॉक्टर दयाशंकर शर्मा ने कृषि विभाग द्वारा चलाई जा रही सरकारी अनुदान योजनाओं की जानकारी दी और महिलाओं को जोड़ने की बात कही। राजेश शर्मा ने महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर दिया। कार्यक्रम का संचालन केंद्र के पशुपालक वैज्ञानिक एवं प्रशिक्षण प्रभारी सिमरुत मीणा ने किया। महिला शिक्षिका बनेंगी महिलाओं की आवाज। राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत धौलपुर जिला शाखा की महिला शिक्षिका सेना की प्रथम बैठक आज जिला अध्यक्ष रेखा शर्मा की अध्यक्षता में पंचायत समिति परिसर धौलपुर में आयोजित की गई, जिसमें आगामी दिनों में जिला महिला एकीकृत शिक्षिका सेना की कार्यकारिणी की घोषणा करने का निर्णय लिया गया। शिक्षक संघ एकीकृत की जिला अध्यक्ष रेखा शर्मा ने बताया कि शिक्षा विभाग में कार्यरत महिलाओं के लिए एकीकृत संघ ने महिला शिक्षक संघ एकीकृत शिक्षिका सेना के नाम से हर जिले में एक संगठन बनाया जाएगा, जिसकी धौलपुर जिले में आज प्रथम बैठक हुई, जिसमें महिला शिक्षिकाओं ने उत्साहित होकर बड़ी संख्या में भाग लिया और सभी ने एक राय से आगामी दिनों में महिला सेना कार्यकारिणी बनाने का निर्णय लिया। इसका कार्य महिला शिक्षिकाओं को अगर कोई परेशानी आती है तो सभी उसका मिलकर हल भी निकालेंगी और शिक्षक संघ एकीकृत इस प्रकार महिलाओं के लिए मंच उपलब्ध कराएगा। इस दौरान संघ की नीतू अग्रवाल, गीता सिंह, गीता शर्मा, सीमा वैष्णव, महादेवी बघेला, अंजुवाला, अंजना शर्मा, राधा देवी, ममता वर्मा आदि मौजूद रहीं। राजस्थान शिक्षक संघ एवं पंचायती राज कर्मचारी संघ की बैठक संपन्न। राजस्थान शिक्षक संघ एवं पंचायती राज कर्मचारी संघ शाखा के पदाधिकारियों की बैठक सरमथरा कस्बे के सरमथरा गार्डन में आयोजित की गई। बैठक में शिक्षकों ने पीडी मद में बसेड़ी ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय की ओर से अगस्त व सितम्बर माह का वेतन भुगतान नहीं किए जाने पर रोष व्यक्त किया। बैठक में जिलाध्यक्ष राजेश शर्मा ने कहा कि वर्तमान समय में केंद्र सरकार और राज्य सरकार शिक्षक कर्मचारियों का उत्पीड़न कर वेतन भत्तों व सुविधाओं में कटौती कर रही है। साथ ही महंगाई भत्ता बंद किए जाने, मार्च के 16 दिन के स्तर के वेतन में भुगतान नहीं करने, महामारी के नाम पर प्रतिमाह कर्मचारियों के वेतन कटौती पर आक्रोश व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री से मार्च के 16 दिन के स्थगित वेतन का भुगतान करने व शिक्षक कर्मचारियों के वेतन से हो रही कटौती रोकने का आग्रह किया। बैठक में राहुल शर्मा, मधुसूदन दुबे, महावीर सिंह पहलावत, राजू सेन सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। नीरज बने विप्र फाउंडेशन के ब्लॉक अध्यक्ष।
विप्र फाउंडेशन युवा मंच के प्रदेश सचिव लक्ष्मीकांत भारद्वाज एवं प्रदेश उपाध्यक्ष युवा मंच अंकित शर्मा की अनुशंसा पर जिलाध्यक्ष विप्र संजीव ने दलेलपुरा निवासी नीरज शर्मा को राजाखेड़ा ब्लॉक का अध्यक्ष नियुक्त किया है। नवनियुक्त ब्लॉक अध्यक्ष ने जिलाध्यक्ष का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि संगठन ने उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी है वे उस पर खरे उतरेंगे और समाज को एकजुट कर आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। समाज सेवी दिलीप पारासर के नेतृत्व में समाज के लोगों ने नवनियुक्त ब्लॉक अध्यक्ष का माला व श्रीफल देकर सम्मानित किया एवं नियुक्ति पर हर्ष जताया। ब्लॉक अध्यक्ष बनने पर रामवीर चेहार, प्रदीप उपाध्याय, प्रमोद कुमार, मोहन प्रकाश उदैनिया, अनिल उदैनिया, उमेश उन्मेश, शशांक खाड़े, वीरेंद्र सैथिया, रामदरे शास्त्री, जलदेव पारासर, मयंक खाड़े, आयुष शर्मा, मनु शर्मा सहित समाज के अन्य लोगों ने बधाई दी है। शर्मा युवा मंच विप्र फाउंडेशन संभाग भरतपुर जिलाध्यक्ष श्रीमान विप्र संजीव जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ ही मैं आश्वस्त करना चाहूँगा कि समाज द्वारा जो जिम्मेदारी दी गई है उसे भी निभाऊंगा। हिंदू महासभा की ब्लॉक कार्यकारिणी का किया विस्तार। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राजाखेड़ा ब्लॉक के अध्यक्ष रजत सिकरवार ने अपनी कार्यकारिणी का विस्तार किया है, जिसमें उपाध्यक्ष पद पर हेमंत जादौन उर्फ हेमा जादौन, संरक्षक के पद पर यशपाल सिंह, कोषाध्यक्ष गोपाल उदैनिया, महामंत्री पद पर जितेंद्र सिंह, संगठन मंत्री संगम जाट, प्रचार मंत्री भोला सेन और कार्यालय मंत्री अंकुर मुदगल को नियुक्त किया गया है। नगर अध्यक्ष रजत सिकरवार ने कहा कि जात पात ऊंच नीच के भेदभाव से परे सबको समानता का अधिकार प्राप्त हो तथा सभी प्रेम और भाईचारे की भावना से रहें। इस दौरान नीतीश कुमार, बबलू परिहार, जयपाल सिंह आदि लोग मौजूद रहे। जगदीश पोस्टमैन को सेवानिवृत्ति पर दी बधाई। सैपो इलाके के तसीमो कस्बे में करीब 40 वर्ष डाक विभाग में पोस्टमैन की नौकरी करने के बाद जगदीश शर्मा पोस्टमैन पद से सेवानिवृत्त हो गए हैं, जिस पर सैपो डाकघर में समस्त स्टाफ ने साफा व माला पहनाकर स्वागत किया। उनकी सेवानिवृत्ति पर सभी की आंखें नम हो गईं और उन्हें भावभीनी विदाई दी। इसके साथ ही शहीद समिति संस्थापक रामोतार फौजी ने फौजी गार्डन तसीमो में कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां पर ग्रामीणों द्वारा साफा व माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। इसके अलावा अन्य स्थानों पर भी माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस मौके पर जगदीश पोस्टमैन ने कहा कि सेवानिवृत्ति के बाद अपना समय समाज हित में देंगे, समाज में होने वाली हर गतिविधि में हिस्सा लेंगे, शहीद समिति द्वारा किए जाने वाले प्रत्येक समाज हित कार्यों में हिस्सा लेंगे। इस मौके पर मेल ओवरसियर ब्रजेश कुमार शर्मा, शहीद समिति अध्यक्ष मांगीलाल मित्तल, बलवीर सिंह, रामनरेश शर्मा, रामब्रज मामा, दीपक शर्मा, जितेंद्र परमार, भावेश शर्मा आदि मौजूद रहे। धौलपुर जिले की दिनभर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।